हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं और आशा करती हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। ठंड ने दस्तक दे रखी है और ठंड तो बढ़ रही है। मेरे तो ना सुबह से ऐसा लगता है कि बस जूते मुझे पहन लो और कुछ काम मत करो, मूंगफली मिल जाए गर्मा गर्म तो मूंगफली खाओ, चुपचाप ब्लैंकेट या रजाई में बैठे रहो। पर ऐसा होता नहीं है। घर में ना आपको अपने घर के सारे काम करने होते हैं, चाहे आपको सर्दी लगे चाहे गर्मी लगे, क्योंकि आप अपने परिवार से प्यार बहुत करते हैं। तो चलो नाश्ते में बनाती हूँ मैं। ये नए आलू आ गए ना, तो आलू और मटर की घुघरी के लिए एक सूट डाला था सिलने के लिए, तो टेलर ने उसे खराब कर दिया था, तो मैं दोबारा लेके गई थी कि सही कर दो। वापसी में आते समय सब्जी मंडी से होके बहुत सारी सब्जी रखी थी। सबसे अच्छी चीज तो ना ये सुंदर सुंदर संतरे थे, देख के एकदम मन खुश हो गया, तो मैंने ढेर सारे संतरे ले लिए ताकि इसका वो जूस बनाएंगे और पिएंगे। मैंने अपनी ये ढेर सारी सब्जी खरीद रखी थी। अब क्या था, धनिया, मेथी, पालक, मटर, ये ना बड़े झंझट की सब्जी होती है। अगर आप लाके यूं ही रख देते हो धो के फ्रिज में, जब बनाना होता है ना तो तोड़ के टाइम वेस्ट होता है। तो रात में हमने लगा ली एक मूवी, पिक्चर देखते रहे और इसके साथ साथ अपने ये सारे मैंने काम निपटा डाले। तो धनिया अच्छे से धुल के सुखा के और इस तरीके से काट के रख लिया। मेथी इसे भी धुल के मैंने सुखा लिया था और काट के रख लिया, तो जब मन करेगा मेथी के पराठे बनाओ और मेथी की सब्जी बनाओ। आओ, मटर भी छील के रख ली थी, ऐसे उठाओ और ऐसे डाल दो। बड़े आसान तरीके से ना ये काम आपके हो जाते हैं। और अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हो ना, बड़े आराम से आप 2 घंटे 1 घंटे इंतजार कर लोगे, क्योंकि वो खाना लेके आएगा, आप उससे कुछ नहीं कह सकते। उसने कहा सर 20 मिनट बाद आएगा, सर 1 घंटे बाद आएगा, आप बैठे रहते। लेकिन हमारे साथ ना चीजें अलग होती हैं। अगर हमसे आपने कहा भाई 5 मिनट में खाना चाहिए और 5 मिनट से 6 मिनट हो गया, तो यहाँ पे तांडव होने लग जाता है सबका। तो हमें अपनी व्यवस्थाएं ना फटाफट करनी होती है। तो चलो भाई अभी तो नाश्ता बनाते हैं, और आप मेरा वीडियो पूरा देखा करिए, लाइक भी किया करिए और अच्छे अच्छे कॉमेंट्स किया करिए। आलू फ्राई करने में मतलब घुघरी बनाने में कोई भी मसाला इस्तेमाल नहीं करूँगी। घी डाला सिंपल सा, उसमें राई, जीरा और हरा मिर्च डाल दिया, साथ में थोड़ी सी मटर डाल दूंगी क्योंकि हरा मटर ना इस समय बच्चों के बहुत पसंद है। अब बना लेती हूँ जूस। अब मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा चाट मसाला। और अब जाएगा ये धनिया पत्ता। तो ये तैयार हो गया हमारा सुबह का नाश्ता, घुघरी के साथ जूस। चाय नहीं बनेगी क्योंकि वही एक समस्या, दूध नहीं है और जूस के साथ चाय का कोई कॉम्बिनेशन भी नहीं है, तो वो जब दूध आ जाएगा तब मैं पीऊंगी। और अभी क्या था, मैं नाश्ता सर्व कर रही थी कि भैया ने बाहर से आवाज दी, वो बाहर गया था किसी काम से, तो फटाफट उसके लिए मैंने इस तरीके का जो भी किचन का वेस्ट मटेरियल हो ना, पत्ते वाला जो भी है, इसमें बहुत आ रहा है, पालक, मूली, मेथी, बहुत कुछ आ रहा है, तो आसपास कोई जानवर हो ना उसको दे देना चाहिए। जो ही ऐसे वैसे फेंकने से क्या मतलब, तो इसे मैंने कचरे वाली दलिया में नहीं डाला था, ये मैं डालूंगी बाहर। सारा काम निपटाने के बाद मैं और मेरा बेटा हम दोनों ही बैठ के नाश्ता करेंगे। वैसे तारीफ हो रही है क्योंकि इनको ना बहुत अच्छा लगा, जूस भी बहुत अच्छा लगा। संतरे का जूस तो वैसे भी अच्छा लगता है पीने में, थोड़ा खट्टा ज्यादा होता है पर अच्छा लगता है। और जब बच्चे आपकी तारीफ करते हैं माँ बहुत अच्छा है, तो बड़ा सुकून मिलता है। और ये कुछ खास पल होते हैं जब हम खाना और नाश्ता साथ में खाते हैं, तो एक दूसरे से मन की बातें करते हुए इंजॉय करते। नाश्ता करने के बाद अब मैं जा रही हूँ ऊपर छत में, मूंगफली भी ली हुई है, ट्राइपॉड लिया हुआ है, इनके बालों में मसाज करूंगी और धूप निकल आई है तो भैया सर्दी में विटामिन डी की जरूरत होती है ना। चलो, सुबह लग रहा था कोहरा है, धूप आएगी नहीं, पर अभी आ गई तो मजा आ रहा है। आप कितना भी व्यस्त हो, सारे काम करो, लेकिन अपने बच्चों को टाइम जरूर दो, उनके पास बैठो, उनसे बातें करो, क्योंकि समय के हिसाब से ना चीजें बदलती हैं। अगर आज आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दोगे तो आने वाले समय पे वो भी आपको टाइम नहीं देंगे, क्योंकि उनकी आदत में नहीं होगा आपके साथ बैठना, खाना खाना, आपसे बातें करना। तो समय बदलता जाएगा और वो भी अपने आप में बिजी होते जाएंगे और फिर आप अकेले हो जाओगे। तो अभी से आदत डालो बच्चों के साथ खाना खाने की, उनसे बातें करने की, उन्हें नई नई बातें बताने की, कुछ भी हो लेकिन शाम का खाना ना एक दूसरे के साथ ही बैठ के, पूरे परिवार के साथ बैठ के खाओ, तो
उन्हें भी आपका इंतजार रहता है और आप भी इंतजार करते हो कि जब सब इकट्ठे होंगे तब हम खाना खाएंगे। तो उस दिन जो ना मैंने वस्त्र बनाए थे वो भाभी के ठाकुर जी के बनाए थे और आज मैं अपने ठाकुर जी के वस्त्र बना रही हूँ। तो इस तरीके से मेरे भगवान जी के जो वस्त्र है ना आपसे बातें करते करते वो भी कंप्लीट होते चले जा रहे हैं। तो धोती तैयार हो गई, बहुत खूबसूरत है ना। ये देखो चोली बन गई राधा रानी की और ठाकुर जी की। तो चाय बन जाए। भगवान जी के वस्त्र बन रहे थे और अभी ना उनकी ओढ़नी बाकी है बनाना, तो मैंने सोचा काफी देर से सिल रही थी, वैसे मशीन से सिलना होता ना तो तुरंत तुरंत सिल जाता है, पर ये रुमाल है तो मशीन से नहीं सिलाई हो पाती इसकी, इसलिए हाथ से पूरा मुझे सिलना पड़ गया। भांजे दोनों बाहर बैठे बातें कर रहे हैं और मेरी चाय बनके तैयार होगी। फटाफट छान लेती हूँ और साथ में ले लेती हूँ 2 ब्रेड, क्योंकि मुझे ना ब्रेड चाय के साथ डुबो के खाने में अच्छी लगती है, वो भी सर्दियों में। तो और तो इनकी मैं बातें भी सुनती जा रही हूँ, थोड़ा बहुत अपना ओपिनियन भी देती जा रही हूँ। और भैया मुझे देख के इसलिए मुस्कुरा रहा है कि माँ अपने लिए ब्रेड लेके आई है, हमारे लिए नहीं। खैर कोई बात नहीं, जिसको जो अच्छा लगे ना वही खाता है। अब मैं बना लेती हूँ ठाकुर जी के कैप। बहुत आसान रहता है इस तरीके से भगवान जी के वस्त्र बनाना। और ना ये 3 हैंकी में से मेरे ठाकुर जी के वस्त्र बन गए, एक में से ये ओढ़नी और टोपी और एक में ये सेट, दूसरे में ये। तो पूरे जो बड़े वाले युगल किशोर है ना उनकी पोशाक बनके तैयार हो गई। और बाकी जो लड्डू गोपाल है उनकी तो क्रोसिया से छोटे छोटे से बना लेती हूँ, तो उनके पास तो बहुत सारी हैं, एक दो और बना दूंगी। तो अब चलते हैं भगवान जी को तैयार करने और उन्हें ये विंटर्स की पोशाक भी पहनानी है ना। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और इस तरीके से आसानी से कभी भी बनाने का मन करे ना, फ्री बैठे हो सुबह दोपहर शाम, तो बना लेना चाहिए। जिस जगह पे आप सिलाई करते हो ना, तो सिलाई खत्म होने के बाद उसको ना बहुत अच्छे से साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार सुई वगैरह अगर गिर जाती है नहीं मिलती तो बाद में किसी को चुभ ना जाए, तो इस चीज का ना हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अभी करीबन 4 बजा है और अब मैं अपने ठाकुर जी को वस्त्र बदल देती हूँ। सबसे पहले तो मैंने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु मैं आपके वस्त्र बदलूंगी, कहीं आपको कुछ चुभ ना जाए, तो इसलिए आप थोड़ी देर के लिए अपने श्री विग्रह से बाहर हो जाइए और फिर जब मैं आपका श्रृंगार कर दूं तो पुनः अपने श्री विग्रह में स्थापित हो जाइए। तो इस तरीके से प्रार्थना करने के बाद सबसे पहले मैं करूंगी राधा रानी का श्रृंगार, उन्हें नहलाया धुलाया और अब मैंने उन्हें वस्त्र धारण करवाए। बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं मेरे भगवान जी, मुझे तो बहुत सुकून मिलता है जब मैं इस तरीके से इन्हें तैयार करती हूँ। और तैयार करने के बाद जब मैंने शीशा दिखाती हूँ ना तो फिर पूछो ही मत। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये पोशाक कैसी लगी, और आप इनको सर्दी तो नहीं लगेगी, बिल्कुल भी नहीं लगेगी, क्योंकि मैंने इन्हें चारों तरफ से ढक रखा है। मेरे काले काले से बाकी भी हरी और गोरी गोरी राधिका के आप दर्शन कीजिए, कमेंट में हरे कृष्णा लिखना बिल्कुल मत भूलना। तो लो जी तैयार हो गए मेरे ठाकुर जी और अब भारी आती है शाम के संध्या भजन की। तो आज तो मेरा बहुत सारा काम हुआ, ठाकुर जी को वस्त्र बना दिए, वो भी रुमाल से, कितनी आसान तरीके से बनाया है। जिसको भी बनाना हो ना ऐसे बना लिया करो। और ये तो इतनी अच्छी बात है ना कि आप अगर हर 8 दिन में चेंज करना चाहो, नए नए बनाना चाहो तो बनाओ पहनाओ। इसमें सिलाई मशीन कम चलती है इसलिए हाथ से बना देती हूँ। जैसा अब बजा है करीबन 5 और डिनर का टाइम है, तो मैंने ये मेथी, आलू और मूली ये सारी चीजें मैश करके रख दी हैं, तो बनेगी ये आलू मेथी के पराठे और साथ में बनेगी ये चटनी है। शाम के करीबन 8 बज रहे हैं, आरती पूजा से मैं फ्री हो गई और अब आगे किचन में तो बना लेती हूँ ये मेथी और आलू के पराठे। आलू मैंने उबाल के रखे थे, उसमें ढेर सारी कच्ची मेथी मिलाई थी और 2-3 मूली भी कस के डाल दी थी ताकि इसका स्वाद ना अच्छा आने लगे। मेथी और मूली ज्यादा है, आलू तो केवल 2 ही मैंने डाले। तो ढेर सारा मटेरियल फिल करने के साथ मैं बना लेती हूँ ये आलू और मेथी के पराठे।
बेटा और मैं, हम दोनों ही घर में हैं, तो पहले मैं उसको खिलाऊंगी क्योंकि पराठे गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, और फिर मैं भी बैठ के खाना खाऊंगी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और कैसे लगे पराठे देखने में, कोई बात नहीं, कभी आइएगा तो मैं खिलाऊंगी जरूर। और अब मैं आपको कराती हूँ अपने ठाकुर जी के दर्शन, क्योंकि उन्होंने पहनी है आज नई नई पोशाक। लड्डू गोपाल जी को जो मैंने पहनाया है वो मैं क्रोसिया से बना के रखती हूँ, रंग बिरंगी पोशाकें हैं, तो सबने धारण की है और सब बहुत खुश हैं, क्योंकि स्नान भी करवाया है मैंने इनको बहुत अच्छी तरीके से। शाम का भोग लग गया, आरती पूजा हो गई है, आप भी भगवान जी के दर्शन कीजिए गिरिराज महाराज के, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेरे ठाकुर जी के वस्त्र कैसे लग रहे हैं। वैसे भी नई नई पोशाक तो सबको पसंद आती है। हरे कृष्ण।